किसी भी कंट्री के जो डिफरेंट इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स होते हैं वो रिलेटेड होते हैं, इनफैक्ट सारी तमाम इल्म रिलेटेड है तमाम इल्म रिलेटेड है। बीमार देर आर सर्टेन बीमारियां जिसको हम कह सकते हैं रिच मैंस डिजीज, आप वो गरीबों में नहीं देखेंगे वो बीमारियां, जैसे डायबिटीज बहुत कम देखेंगे आप गरीबों में, ऐसे गाउट यू वुड सी बहुत कम देखेंगे आप, कोलेस्ट्रॉल हाई बीपी हाई कम देखेंगे आप गरीबों में, बीपी का चलो यू माइट सी बट कोलेस्ट्रॉल हाई ये कम आप देखेंगे, या आई साइड की वीकनेस अर्ली इन द लाइफ, अच्छा जिनमें चूल्हे होते हैं वहाँ पे तो आपको वुमेन में ये दिखेगा, बट अदरवाइज जो बच्चों के साथ होता है हमारे बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन एटसेट्रा, इवन बीमारियां आर सेग्रीगेटेड बीमारियां आर सेग्रीगेटेड, देन देयर आर सर्टेन पुअर मैंस डिजीजेस जो अमीरों में नहीं होते, जैसे माल न्यूट्रिशन के साथ एसोसिएटेड डिजीजेस, प्रोटीन डिफिशियंसी, विटामिन डिफिशियंसी के साथ एसोसिएटेड डिजीजेस, स्कर्वी, रिकेट्स एटसेट्रा, यू वोंट सी दीज डिजीजेस इन द रिच, सो इवन डिजीजेस आर सेग्रीगेटेड, यू सी इन दिस डिस्कशन थिंग्स आर हाईली रिलेटेड, बट लाइफ स्पैन इज रिलेटेड इकोनॉमिक्स के साथ, इकॉनमी इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस, इज रिलेटेड टू जियो पॉलिटिक्स, इज रिलेटेड टू जियोग्राफिकल लोकेशन, इज रिलेटेड टू जियोग्राफी, एवरीथिंग इज रिलेटेड, एवरीथिंग इज यूनिफाइंग, तो कंट्री में भी एक कंट्री के जो डिफरेंट आस्पेक्ट्स हैं ना वो भी लिंक्ड होते हैं, एग्रीकल्चर सपोर्ट करता है इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर को, दोनों भाई भाई एक साथ ही आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन की जो एग्रेरियन पॉलिसीज हिंदुस्तान में थी, हिंदुस्तान की एग्रेरियन इकॉनमी को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। अच्छा मैंने ये क्या बोला, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, ये क्या हुआ, ये हो गया कॉजेलिटी एस्टेब्लिश करना, वन थिंग कॉज्ड अनदर, सो आई हैव बीन सेइंग दिस बिफोर दैट कॉजेलिटी इज नेवर देयर इन द फैक्ट्स। फैक्ट्स में क्या है, फैक्ट्स में हमको बस इतना पता है कि ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, फैक्ट्स में हमको बस इतना पता है कि एग्रीकल्चर गिर रहा है, ब्रिटिशर्स की वजह से एग्रीकल्चर गिर रहा है ये नहीं पता हमको अभी, ये याद रखा करें हमेशा, व्हेन कॉजेलिटीज आर इंट्रोड्यूस्ड दे आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ऑथर एंड दैट इज द जॉब ऑफ हिस्टोरियन, हिस्टोरियन सिर्फ फैक्ट्स बताने के लिए नहीं है, दैट वुड बी अज्यूमिंग, दैट कैन ओनली टेक प्लेस व्हेन द हिस्टोरियन अज्यूम्स पीपल डू थिंग्स और थिंग्स हैपन विदाउट रीजन, ए गुड हिस्टोरियन इज एबल टू फाइंड दोज रीजंस एंड ही हैज टू एंड दे आर नॉट देयर इन द फैक्ट्स, तो हाउ वुड वी फॉर एग्जाम्पल यही कॉजैलिटी को कैसे एस्टैब्लिश करें, इस कॉजैलिटी को अगर एस्टैब्लिश करना है व्हाट वुड प्रूव दैट दिस हैपेंड, यू वुड हैव टू शो हाउ देयर पॉलिसीज वेर इनिमिकल टू एग्रीकल्चरल ग्रोथ, अदरवाइज दे कैन नॉट बी द रीजन, और यू वुड हैव टू गिव एन ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फैक्ट्स कि ऑल ऑफ ए सडन सारे हिंदुस्तानियों ने एग्रीकल्चर छोड़ दिया, ऑल ऑफ ए सडन पूरे 200 साल बारिश ही नहीं हुई, नाउ दिस कैन बी एन ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन, हाँ ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे लेकिन बारिश ही नहीं हुई 200 साल तो एग्रीकल्चर कैसे होता, नाउ दिस कैन बी अ रीजन, दैट्स व्हाई अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हैज टू रीड डिफरेंट हिस्टोरियंस, अदरवाइज काम नहीं होगा, एंड यूर सेल्फ ऑल्सो यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, बट फॉर नाउ व्हेन ब्रिटिशर्स आर इन इंडिया एग्रीकल्चर इज फॉलोइंग, दिस इज सेटल्ड। प्लांटेशन डेवलपमेंट पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स ने यूज की, टी, टोबैको, जूट, इंडिको, इसने भी बेनिफिट नहीं किया इंडियन पीपल को। तो क्या थी एग्रेरियन पॉलिसी ब्रिटिशर्स की, अब उस मुद्दे पे हम आ रहे हैं कि ये कॉजैलिटी को अगर एस्टैब्लिश करना है तो करें कैसे, वो जनरल रूल है, वो सिर्फ यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, वो जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, तो उसको देखना चाहिए कि ये कहाँ से आ रही है ये कॉजैलिटी, ये साइंस में भी है, साइंस में बड़े मसले हैं, साइंस वाले हजरात हमारे उनको लगता है कि सारी चीज़ उनने हल कर दी है लेकिन वो इस कॉजेलिटी वाले पॉइंट को दे काइंड ऑफ मिस इट। सो टू बिगिन विद वी वुड हैव टू लुक एट देयर बेसिक एग्रेरियन पॉलिसी, वो है लैंड सेटलमेंट्स। लैंड सेटलमेंट्स आसान भाषा में क्या हुआ कि हमारी लैंड यूजेज के बारे में पॉलिसी कैसे रहेगी, रेवेन्यू पॉलिसीज क्या रहेंगी, उसको हम बोलेंगे लैंड सेटलमेंट्स। अब ब्रिटिशर से पहले भी रूल कर रहे थे बड़े सारे लोग हिंदुस्तान के डिफरेंट खितों में, कहीं पे मराठा थे, कहीं पे मुगल थे, एडमिनिस्ट्रेशन के मेथड्स भी सबके अपने अपने थे, डेफिनेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, बट कहने का मकसद ये है कि देयर वर डिफरेंट लैंड सेटलमेंट्स बिफोर द ब्रिटिशर्स केम। अब जब
मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कॉन्क्वेस्ट कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है. वॉट इज द डिज़ायर विद इन द ब्रिटिशर्स? दे वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम लैंड रेवेन्यू एंड इन कैश. एंड ये जो मकसद है इसको फुलफिल करने के लिए दे डेवलप एन एलोबरेट लैंड सिस्टम इन इंडिया विच वुड एंश्योर दिस थिंग, दिस पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड साइमल्टेनियसली एस्टेब्लिश अ कोलैबोरेटिंग क्लास इन इंडियन रूरल इंडिया इन पर्टिक्यूलर. नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कॉलोनियल्स रूलर्स एंड अदर इम्पीरियल रूलर्स. लाइक हाउ वुड द मुगल्स बी डिफरेंट? मुगल्स के लिए ये जो लोग हैं ये ब्रेड एंड बटर हैं. ब्रिटिशर्स का ऐसा नहीं है. ब्रिटिशर्स को कहीं और का उनके लोगों की फिक्र है. इसमें 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट, इट्स कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट, एक लैंड सेटलमेंट का तरीका एस्टेब्लिश किया बंगाल में, बिहार, उड़ीसा, एंड इट वाज लेटर एक्सटेंडेड टू नॉर्दर्न मद्रास एज वेल. नॉर्दर्न मद्रास वुड बी साउथ ऑफ उड़ीसा. एंड परमानेंट सेटलमेंट परमानेंट है, वंस फॉर एवर. लैंड रेवेन्यू फिक्स किया गया ऑन ए परमानेंट बेसिस और ज़मींदारों को इंटरमीडियरी बना दिया गया बिटवीन रूलर्स एंड पेजेंट्री. अब देखिए यहाँ पे रूट्स हैं बहुत सारे मसाइल के, कि ये जो किया गया उनको परमानेंट लैंड ओनर बना दिया गया ज़मींदारों को, और जो अमाउंट भी फिक्स किया गया वो भी बहुत ऊंचा, हाई, ब्रोक द बैक ऑफ द पेजेंट्री. और इस सिस्टम में पेजेंट्स वेर द वंस हु वुड सफर एनॉर्मसली while the landlords and the Britishers, they kind of benefited. Lord William Bentinck observe करते हैं, कहते हैं, और यहाँ पे आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा. हमने शायद कहीं पे passing reference इसका दिया है इन sessions में, I'm not sure, but definitely post session discussions में बात उठी है कि what does it mean to understand. तो मैं एक example आपको अक्सर देता हूँ कि knowing लैंड रेवेन्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, हम इस वक्त इकोनॉमिक पॉलिसी को जान रहे हैं, देन नोइंग पॉलिटिकल पॉलिसी ब्रिटिशर्स की, कि वो क्या करना चाहते थे, उनके लॉज क्या थे, देन आई सेड ये दोनों तो इन्फॉर्मेशन है, ये हार्ड डिस्क को भी पता है, ये विकीपीडिया को भी पता है. अंडरस्टैंडिंग इज नोइंग हाउ देयर पॉलिसीज वेयर बैड इकोनॉमिक्स बट गुड पॉलिटिक्स. ये मिसाल मैंने आपको दी. अब सुनिए जरा विलियम बेंटिक का कहना क्या है, इससे आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा. ये कहते हैं, इफ सिक्योरिटी वॉज वॉन्टिंग अगेंस्ट एक्सटेंसिव पॉपुलर टुमल्ट और रेवोल्यूशन, आई शुड से ये जो परमानेंट सेटलमेंट है दो ए फेलियर इन मेनी अदर रेस्पेक्ट्स. मैंने क्या कहा, हाउ वॉज ब्रिटिश पॉलिसी बैड इकोनॉमिक्स, दो ए फेलियर इन मेनी अदर एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक साइड से एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स, इन सारे मामला में फेलियर है. Has its great advantage at least. मगर ये good politics क्यों है? Because it has a great advantage at least of having created a vast body of rich landed proprietors deeply interested in the continuance of the British dominion. इसने क्या बनाया? इसने एक loyalists की बहुत बड़ी फौज खड़ी कर दी हिंदुस्तान में, जो हमारे loyal हो, collaborators की, and having complete command over the mass of the people. अब देखे कैसे थे ये गुड पॉलिटिक्स था बैड इकोनॉमिक्स के बावजूद. और यही होता है चीजों में, ह्यूमन फैक्टर, यही ह्यूमन फैक्टर होता है फाइनली. हाउ डू यू डिसाइड, एंड दिस गिव्स इमेंस डाइवर्सिटी टू ह्यूमन लाइफ. और ऑफन टाइम्स द डिस्कशंस मिस दिस ह्यूमन एलिमेंट ऑफ थिंग्स. क्या आप मैथमेटिकली तो हर एक चीज कर सकते हैं कि ये इसमें ऐसे होना चाहिए, इसमें ऐसे होना चाहिए, इसमें ऐसे होना चाहिए, बट द चॉइस बिटवीन डिफरेंट चॉइसेस, आई चोज द रोड लेस ट्रेवल्ड एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस. बट परमानेंट सेटलमेंट इज नॉट द ओनली थिंग. लाइक वी सेड ये बंगाल अराउंड हुआ, लेकिन हिंदुस्तान इससे बहुत बड़ा है. देयर इज समथिंग कॉल्ड रायत वारी सिस्टम.
ये मद्रास प्रेसिडेंसी में डेवलप हुआ। नाउ दिस इज साउथ इंडिया। 1820 में सर थॉमस मुनरो ने डेवलप किया। रायतवारी सिस्टम के दो फीचर्स है। पहले, गवर्नमेंट और कल्टिवेटर्स डायरेक्टली आमने सामने अब काम करेंगे। देयर आर नो इंटरमीडियरीज। सो लैंड रेवेन्यू इज सेटल बिटवीन द रायत्स। देवर कॉल्ड रायत्स, वो जो काम करते थे जमीन पे। सेकेंड, कॉर्नवालिस का जो सिस्टम था, मुनरोज कॉर्नवाल सिस्टम परमानेंट था। एक बार हो गया डिसाइड, इतना रेवेन्यू है, यही है हमेशा के लिए। इसमें रीअसेसमेंट थी लैंड रेवेन्यू की विद टाइम। इसमें एक पट्टा मिलता था, लैंड ओनरशिप का पट्टा सिस्टम। खैर, हमको उतना डिटेल में नहीं जाना, हम बस इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि होता क्या है, हुआ क्या है। दैट्स ऑल। तो बेसिक है हमारा। अब चाहे जो भी सिस्टम हो, परमानेंट सेटलमेंट हो कहीं पे, या जमींदारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, जो भी हो, ऑल ऑफ दीज लेड टू द लैंडलॉर्डिज्म कल्चर इन इंडिया। ब्रिटिशर्स के अंडर लैंडलॉर्ड्स का सिस्टम बन गया। लैंडलॉर्ड्स बड़े ज़मीनों के मालिक बने। फिर इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म्स वर द बिगेस्ट थिंग दैट द गवर्नमेंट सेट टू डू। अब ये चीज़ें क्यों बहुत ज़रूरी है समझना, देखिए कितना इनका रिपरकशंस होते हैं। आप आज सुनते होंगे नक्सलिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया, माओइस्ट, नक्सलबारी, ये सारे टर्म्स तो सुने ही होंगे आपने। दोज ऑफ यू हु आर इन 30s, 20s, लेट 20s, 40s, ये टर्म्स आपने सुने होंगे। छत्तीसगढ़, बस्तर, ये सारी जगह, उसमें नक्सल आता है। आपको पता है उसके रूट्स यहाँ पे हैं? डू यू नो उसके रूट्स यहाँ पे हैं? ये जो हमने अभी अभी बात पढ़ी, जमींदारी सिस्टम, लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स, व्हेन लैंड रिफॉर्म्स इन सर्टन वे फेल्ड, और एटलीस्ट दे थॉट दे फेल्ड, तो सर्टन पीपल टुक अप आर्म्स अगेंस्ट इट, अगेंस्ट दिस ग्रुप हु हेल्ड लैंड। क्योंकि लैंड सीलिंग एक्ट्स एंड अदर्स, टेनेंसी एक्ट्स, ये सारे जब आए, तो एक ग्रुप दे फाउंड वेज टू काइंड ऑफ उससे ना बचने के लिए। तो ये चीज़ें बड़े, और गरीबी के साथ भी इसका रिलेशन है एक लैंड रिफॉर्म्स का, कि पीपल हु आर लैंडलेस, दे हबक। कश्मीर में गरीबी क्यों कम होगी? क्योंकि यहाँ पे लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हुए 12 आर्स एक्स्ट है। बिकॉज वंस अगेन सक्सेस को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, तो यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स बेहतर तरीके से हुए। लैंड टू द टिलर आपने सुना होगा कश्मीर में, लैंड टू द टिलर। सो लॉट ऑफ पीपल गॉट लैंड एंड दैट्स व्हाई कश्मीर में लगभग सबके पास जमीन होता है। तो उसने यहाँ पे गरीबी बेहद खत्म कर दी, बट एल्सवेयर इट वॉज नॉट। सो विदाउट गेटिंग इन टू द डिटेल्स ऑफ नक्सलिज्म, दैट वी माइट स्टडी एल्सवेयर जब सिक्योरिटी इश्यूज को देखेंगे, बट फॉर नाउ यू सी रूट्स। टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम थॉरोली इन डेप्थ, यू हैव टू गो बैक टू दीज रूट्स। सो दीज पीपल, दे वर dispossessed these cultivators, and a new breed of money lenders also came in. Now the tenants, they were unprotected, and these real cultivators of land, they became landless laborers. और इसके बहुत सारे, हम इसको बड़ा डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, इसके repercussions, but I don't want to get into those details कि all of इसका effect क्या हुआ। Agriculture underdeveloped क्यों रहा? एक reason यही है, क्योंकि जमींदार हैड नो इंटरेस्ट उसके डेवलपमेंट में, उसको अपना पैसा मिल रहा था। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। वो अपना मुंबई में ऐश कर रहे हैं, मद्रास में बैठे हुए हैं, कलकत्ता में बैठे हुए हैं, ऐश कर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर। वो टेनेंट बेचारा जो जमीन पे है, उसको पड़ी है। और इनफैक्ट ही बिकेम एन एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, वो कहीं और बैठ के पैसे भिजवा बस, उसको फर्क ही नहीं पड़ता वहां क्या हो रहा है। एंड समटाइम्स द टायर्स वुड गो ऑन लाइक 4-5 टायर्स, they would sublet it to others, कि तुम देख लो, तुम कर लो, मुझे इतना भेजा करना। So all of this created huge troubles for the peasantry. So and simultaneously you can see these non-cultivating interests, these intermediaries, they become powerful people. Agriculture suffers, majority of the people become poor. And these people in 1857 proved to be huge backwaters against this, जो 1857 की लड़ाई हुई, उनके खिलाफ ये लोग सामने खड़े हो गए। बिकॉज इनके तो हालात खराब होने वाले थे। 1857 का एक वो भी एलिमेंट है ना,
जमींदारों के खिलाफ लड़ाई. सो लॉट ऑफ पीपल वुड गो इन टू दीज मनी लेंडर्स हाउस एंड बर्न देयर हाउसेज एंड बर्न देयर खाता बुक्स. तो ये लोग फिर लॉयलिस्ट बन गए. सो दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज. नाउ इफ दैट कैन बी एस्टेब्लिश्ड देन वी कैन से कि ओके ब्रिटिश पॉलिसीज दे आर द रीजन. आई पर्सनली बिलीव येस, बट यू कैन एक्सप्लोर इट फर्दर. द बेनिफिशियरीज ऑफ ऑल ऑफ दिस हु आर दोज द लैंडलॉर्ड्स द गवर्नमेंट्स एंड द विक्टिम्स द पेजेंट्स. डैनियल थॉर्नर एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं पिछली सदी के गुजर गए 1975 के आसपास. ये फरमाते हैं कि इन नो अदर पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कैन बी फाउंड सो लार्ज सो वेल एस्टेब्लिश्ड सो सिक्योर अ ग्रुप ऑफ लैंड होल्डर्स एज दैट विच ग्रू एंड फ्लरिश्ड बिटवीन 1790s एंड 1940s. मिलेगा ही नहीं कभी, ऐसा इनका कहना है. जो एग्रेरियन सिस्टम ब्रिटिशर्स ने इवॉल्व किया इसके अंदर ही रूट्स थे डिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर के, और वो फिर हमको रिजल्ट्स उसके कैसे दिखते हैं फेमिन्स में 1870s के 1890s के एपिडेमिक्स. एंड अनदर प्रूफ ऑफ दैट वुड बी स्लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन थियरीज को भी समझना बड़ा ज़रूरी है. फोर स्टेज प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रोथ से बहुत पता चलता है कि कौम कैसा कर रही है. उसको भी देखेंगे इंशाल्लाह इकोनॉमिक्स में, डेमोग्राफिक्स भी डाल के समझेंगे. एग्रीकल्चर डेवलप क्यों होता अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक. और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए एसोसिएटेड इन्वेस्टमेंट्स भी बड़ी ज़रूरी होती है. एसोसिएटेड मतलब एसोसिएटेड वर्क्स में, जैसे पब्लिक वर्क्स, रोड, मार्केट, ये सारी चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी. अब ये करेगा कौन डेवलप, या तो गवर्नमेंट या तो पेजेंट्स, और कौन करेगा. अब पेजेंट्स तो जो हमारा सिनारियो है इसमें तो कर नहीं सकते थे जो हमने अभी डिस्कस किया, और ब्रिटिशर्स इंटरेस्टेड नहीं है, वो भी कर नहीं रहे हैं. जब भी गवर्नमेंट टुक एन इनिशिएटिव इन पब्लिक वर्क्स इट रिजल्टेड इन दिस एनकरेजमेंट ऑफ पेजेंट्री एंड गुड रिजल्ट्स. नाउ यहाँ पे रूट्स हैं और एक मसले के जो इस वक्त कारण दुनिया का है. यू सी द फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, अमेजिंग, सुपर डुपर ऑसम, राइट. दे आर वेल रिच फार्मर्स. यू लुक एट द फार्मर्स फ्रॉम मराठवाड़ा एरिया, ऑल ऑफ दीज प्लेसेस, एंड दे आर सुसाइड्स, गरीब, राइट. महाराष्ट्र के एरियाज जो हैं, मध्य प्रदेश के कुछ एरियाज हैं, गुजरात के कुछ एरियाज हैं, एंड ऑल ऑफ दीज प्लेसेस बड़े बुरे हालात हैं उन फार्मर्स के. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू, व्हाट हैपेंड. यू कैन लिंक इट डायरेक्ट टू ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में होता. अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस पता होना चाहिए कि व्हाट हैड हैपेंड इन इंडिया दैट ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंपॉर्टेंट. फूड सिक्योरिटी वाज इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम. उसके इंटरनेशनल रिपरकशंस है, वॉर विद पाकिस्तान, पाकिस्तान's अलाइनमेंट विद US, US नॉट गिविंग फूड, रशियंस नॉट बीइंग एबल टू सपोर्ट, सो इंडिया हैज टू डू इटसेल्फ सस्टेनिंग, एंड नाउ दे गो अहेड विद ग्रीन रेवोल्यूशन, बट दे आर नॉट ए रिच कंट्री. क्या करें, क्या करें. अच्छा, यू डिसाइड, यू थिंक अबाउट इट. यू हैव अ होम एंड देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ डेवलपिंग. एक सुपर डुपर अमेजिंग रूम बनाने की ज़रूरत है. एक अमेजिंग गेस्ट आने वाला है जो नहीं मानता ऐसे के रूम्स में रहना, एंड ये मरने और जीने की बात है, ठीक. सो व्हाट डू यू डू नाउ, व्हाट डू यू डू. आपके पास चार कमरे हैं घर में, एक कमरा इसमें से अब सेट करना है ऐसे अमेजिंग बने. अब यही करेंगे, कौन सा चूज करेंगे इन चार में से. एक मिट्टी का बना हुआ है एक कमरा, दूसरा कंक्रीट का बना हुआ है, तीसरा कंक्रीट का बना हुआ है, प्लास्टर भी हुआ है उसमें, चौथे में प्लास्टर के बाद पेंट भी किया हुआ है, और मॉडर्न बना है, नया बना है. सो यू वुड चूज दिस फोर्थ वन कि इसको मैं और बेहतर करता हूँ, कि इस पे ऑलरेडी काम हो रखा है. द पंजाब वॉज द एरिया वेयर द ब्रिटिशर्स हैड वर्कड, क्योंकि यहाँ रिवर्स नज़दीक थे, कम खर्चा करना था, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. दे हैड डेवलप्ड कनाल सिस्टम अराउंड पंजाब. सो व्हेन इंडिया इज डिसाइडिंग वेयर डू वी गो विद आवर ग्रीन रेवोल्यूशन, पहले
सो लेट्स सपोर्ट द पंजाब वाला खत्ता, क्योंकि ये अच्छा, देयर वॉज अनदर इकोनॉमिक फिलोसफी एज वेल बिहाइंड दैट, इसमें इकोनॉमिक फिलोसफी भी एक थी जिसको कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट. सो द आइडिया वॉज कि बेनिफिट्स ट्रिकल डाउन. जैसे ये गरीब घर है, इसमें 8 लोग रहते हैं, अब 8 के 8 को जॉब मिलनी चाहिए, अच्छी बात है, गुड, लेकिन हमारे पास है नहीं. अब हम एक ही को दे सकते हैं तो हम एक ही को देंगे. एक तो हो गया वो, दूसरा हो गया फिलॉसफी भी ये होना कि जरूरत भी एक ही को देने की है. एक को जॉब दी, पूरा घर उठेगा, ही वुड टेक केयर ऑफ द अदर्स एज वेल. नाउ दिस हैपेंस, दिस इज कॉल्ड ट्रिकल डाउन, कि अगर सोसाइटी में कुछ लोग अमीर हो जाएंगे तो उसके बेनिफिट्स फिर आम लोगों में भी आ जाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अमीर बन गया किसी गाँव में, अब क्या करेगा, अपनी अमीरी का अचार डालेगा. अब उसको मैगी खानी है तो मैगी किसी को बेचनी पड़ेगी, उसको साफ करने के लिए किचन वगैरह उसको कोई काम वाला चाहिए, तो कोई काम वाला जॉब पे लग जाएगा. तो ट्रिकल डाउन हो रहे हैं इफेक्ट्स. सो द आइडिया वाज ए पंजाब एंड एसोसिएटेड एरियाज डेवलप, द बेनिफिट्स वुड ट्रिकल डाउन. बट दैट काइंड ऑफ नाउ वी रियलाइज डिड नॉट हैपन टू द एक्सटेंट, जिस एक्सटेंट तक सोचा था इकोनॉमिस्ट्स ने. But the point I was trying to show you, the link between what's happening now to what was happening then. Here is the example. कि जब पंजाब में canal system develop कर रहे थे, अच्छा इसके साथ एक और चीज़ें related है, जैसे civil engineering. Civil engineering North India में develop हुई ज़्यादा, ये Roorkee का IIT जो बाद में IIT बन गया, वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए मशहूर था. तो ब्रिटिशर्स indulged in lot of civil open channel flows में, they really worked a lot, Darcy's law etc. तो वो सारा काम उनने किया. So if government indulging in the work showed good results, they could have further went ahead. But government and landlords both showed little interest. और agriculture इसी वजह से by and large backward ही रह गया. और हमने simultaneously वो वाली problem के बारे में बात की है, fragmentation of land की, जो economies of scale के लिए necessary होता है. तो पेजेंट्री की एम्पावरिशमेंट, ये एक फेस है ब्रिटिश रूल का इन इंडिया. तो एग्रेरियन पॉलिसीज इनके जो भी थे, इट इंक्रीज दीज लैंडलेस लेबरर्स एज वेल. पॉपुलेशन का प्रेशर बैकवर्ड विलेज इकॉनमी पे बढ़ गया, और जो फिर इसका अल्टरनेटिव था प्रॉफिटेबल प्लांटेशन बिजनेस, वो भी देखेंगे हम कुछ देर में कि वो सिर्फ ब्रिटिश पॉकेट्स को फिल करने लगा. खैर इन हालात में मनी लेंडर्स का भी बिजनेस बढ़ गया, और डेट बहुत ज़्यादा आम लोगों पे, बहुत बुरे हालात इन चीज़ों पे. एंड ए पॉपुलेशन विच इज़ ऑलरेडी इन डेट, वो क्या ही फिर आगे डेवलप करेगी अपने एसेट्स को, बहुत बड़ा मुश्किल है. सो दिस इज़ द फर्स्ट आस्पेक्ट ऑफ द एग्रेरियन पॉलिसी ब्रिटिशर्स की. द सेकेंड आस्पेक्ट वुड बी एग्रीकल्चर खुद में कैसे चेंज हो रहा है, द वे वी डू एग्रीकल्चर. Agriculture changed in the sense that it started getting commercialized. हमने इससे पहले बात की है कि एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस होता था ज़्यादा, खुद के लिए खाना पीना ये सारी चीज़ें उगती थी. ये जो न्यू लैंड सेटलमेंट्स थी, इन्होंने प्रॉपर्टी रिलेशंस में रेवोल्यूशन लाया, और इसके साथ साथ एक कमर्शियल रेवोल्यूशन लाया, विच इज़ कॉल्ड द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. एंड दिस स्टार्टेड टू टेक प्लेस अराउंड 1860s. कमर्शलाइजेशन जो आप वर्ड से समझते हैं, वही इसका मतलब है. कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसका मतलब हुआ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अब मार्केट ओरिएंटेड है. दैट इज एग्रीकल्चर इज मार्केटेबल नाउ. एग्रीकल्चरल कमोडिटीज आर मेड फॉर द पर्पस ऑफ मार्केट. तो मार्केट डिटरमिन करेगा ना अब कि आप क्या उगा रहे हैं. बट वाई वुड दिस हैपन, देयर आर अ फ्यू रीजंस. पहले रेलवे, रेलवे का जब डेवलपमेंट हुआ, जैसे 1857 में 288 माइल्स रेलवेज थे इंडिया में, विद इन 50 ईयर्स इट रीचेस 30,000 माइल्स. नाउ इसका क्या रिलेशन है, वाई वुड दिस लीड टू कमर्शलाइजेशन. दिस एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, इट इज लीडिंग टू द लिंकेज बिटवीन जो हिंटरलैंड है एंड मार्केट्स, ये उनको लिंक कर रहे हैं. तो मार्केट फोर्सेज अब वहां तक पहुंच रहे हैं. होता है ना, हमारे यहाँ आता है तो दूसरा बंदा आएगा, या गुलाम है क्यों छुपकारा, तो कहता है कि नजर वाइड में पानी काम करा. तो वो फिर आता है कि मिस दीजा संसार फीड मिस गाय, क्यों यदि ही पदवार या दौत सुकिन हक अच्छी बाजरस में बड़े रेट मिलन दो दस,
तो अब वो गाय पे करेगा कॉन्सेंट्रेट, मिल्क प्रोडक्शन करेगा एंड ऑल। जब उसको कोई बोलेगा बाजरस मंचे दस ज्यादा रेट, ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है, मार्केट फोर्सेस ऐसे ही वर्क करते हैं। और क्या हुआ दूसरा काम, ब्रिटिशर्स को हिंदुस्तान आना पड़ता था, आते कहाँ से थे, कहाँ से आते थे, दे वुड कम फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से घूम के केप ऑफ गुड होप फिर आते थे हिंदुस्तान। ये बड़ा सफर है, लंबा। लेकिन 1869 के आसपास स्विस कैनाल बनती है। स्विस कैनाल ने इस डिस्टेंस को एटलीस्ट 30% कम कर दिया। ये बहुत फर्क होता है, 3,000 miles कम हो गए। तो अब यूरोप और इंडिया नज़दीक आ गया, तो और भी ये फोर्सेस का इफेक्ट बढ़ गया। कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जो इंग्लैंड में हुए 1873-1886 के आसपास, उन्होंने वेसल्स को चेंज कर दिया। क्या थे ये? स्टीम इंजन। स्टीम इंजन अब वेसल्स में इंट्रोड्यूस हुआ, शिप्स में इंट्रोड्यूस हुआ, फ्रेट रेट्स आसमान से ज़मीन पर आ गई, बाय हाफ, आधा हो गया कॉस्ट। एंड दिस स्टिमुलेटेड दिस एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम इंडिया बड़ा रैपिडली। इसको समझने के लिए कंटेम्प्रेरी मिसाल भी दी जा सकती है। व्हेन ए पर्टिकुलर प्लेयर केम इनटू मोबाइल मार्केट, डेटा मार्केट हिंदुस्तान में, और उसने डेटा 4G डेटा बड़े कम कीमतों पे दिया लोगों को, व्हाट डिड दैट लीड टू? दैट लेड टू फॉल इन प्राइसेस ऑफ डेटा ओवरऑल इन इंडिया। हर एक डेटा का कीमत फिर कम हो गया। एवरीवन इज लाइक ये 200 GB लो, ये इनफाइनाइट GB लो, जस्ट पे दिस मच एंड यू कैन यूज एज मच डेटा एज यू वांट। फिर सब ने ये कर दिया। नाउ व्हेन यू हैव दैट मच डेटा एट डिस्पोजल, पीपल लाइक मी आर पॉसिबल नाउ, जो ऑनलाइन बात करते हैं। अगर यही चीज़ आपको आज से 20 साल पहले करनी होती, क्या करते उस टाइम? आपके पास डेटा ही 1 GB होता था, वो आता था 600 रुपये का। मेरा एक सेशन 600 रुपये का आपको पड़ता, एक सेशन कहाँ कर पाते? तो ये इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉक वगैरह, ये ऐप्स बन नहीं सकते थे, ये ऐप्स नहीं बन सकते थे। यूट्यूब एट्सेट्रा, ये चीज़ें नहीं बन सकती जब तक यहाँ OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं बन सकते थे, जब तक ये रेवोल्यूशनाइज ना होता डेटा। जब डेटा रेवोल्यूशनाइज हो गया तो ये वाला खत्ता बन गया इकॉनमी का, नॉलेज इकॉनमी डेवलप हो गई, फोर्थ एंड फिफ्थ सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी डेवलप होने लगे, ऑल ऑफ दिस बिकॉज ऑफ दिस वन स्मॉल चेंज कि डेटा आप सबके पास, स्मार्टफोन सबके पास है, कि वो आप कर सकते हैं, छोटे छोटे टिकटॉक बना सकते हैं, वो कर सकते हैं किसी भी गाने पे, वो देयर वाज ए मैन इन रशिया जो गाना बड़ा वायरल हो गया था, क्या नाम है उसका, जो भी, तो उस पर वो डॉक्टर्स डांस करके वो दिखाते हैं, तो बन गई रील। वो कैसे कर पाते वो चीज़? वेरी डिफिकल्ट टू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स इफ देयर वाज नो फास्ट इंटरनेट। लाइव रूम्स, स्पेसेस ऑन ट्विटर, क्लब हाउस, दिस वाज नॉट पॉसिबल अगर डेटा इतना पेनिट्रेशन ना होता और इतना फास्ट गेमिंग की दुनिया नहीं इतनी डेवलप होती। पबजी कैसे खेलते? 2G पे पबजी खेलते, उससे पहले तुम्हारा रियल लाइफ पे पबजी हो जाना था उसको खेलने से पहले ही ठीक चिकन डिनर हो जाता इंसान का, ठीक। तो खैर, मतलब इंसान खुद बूढ़ा हो जाता इससे पहले कि आप ऑनलाइन गेम खेलते। तो दैट वन स्मॉल चेंज उसने कैसे हर एक चीज़ को बदल दिया। यहाँ पे स्टीम इंजन की वजह से ये रिपल इफेक्ट्स आपको दिखते हैं। मैं बाय द वे कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता था ज़्यादा, पबजी नहीं था मुझे इंटरेस्ट, वो उसमें मज़ा नहीं आया मुझे। कॉल ऑफ ड्यूटी मुझे अच्छा लगता था, अच्छा भी नहीं लगता था, मैंने कुछ ही टाइम खेली है, ज़्यादा टाइम नहीं खेली। फिर नॉर्थ अमेरिका में भी एक चेंज हुआ इस टाइम पे, सिविल वॉर। अब नॉर्थ अमेरिकन ये आपस में लड़ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं जब आप देखते हैं कहीं पर कोई लड़ रहा है, तो आप साइड से निकलते हैं। आपने देखा है जब वो सड़क पे सांड लड़ते हैं आपस में, आप गाड़ी का क्या करते हैं? आप रास्ता बदल देते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है, लड़ाई चल रही है वहाँ पे, तो सब लोग करे ठीक है भाई, हम कहीं और पे अपना काम करेंगे, तो कहाँ करेंगे? इनको चाहिए कॉटन, रॉ कॉटन चाहिए। सो देयर इज़ अ सडन इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया एट दैट टाइम। 5 करोड़ वर्थ ट्रेड था 1860 के आसपास, 4 साल में, विद इन 4 years 37 करोड़, दैट्स ह्यूज, ह्यूमंगस।
ये तमाम फेनोमेना हमको बता रहे हैं एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स इज इंक्रीजिंग फ्रॉम इंडिया। बड़ा 500% ग्रोथ है विद इन 40 years, 500% ग्रोथ। बट ऑल ऑफ दिस ग्रोथ वुड मीन गुड फॉर फार्मर्स, राइट? अच्छी चीज हो रही है, बट पैराडॉक्सिकली दिस इंक्रीज इन फॉरेन डिमांड फॉर इंडियन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डिड नॉट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वहीं का वहीं रह गया अनफॉर्चुनेटली, एंड देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस। ये जो रीजंस बताते हैं, आई एम नॉट एबल टू फाइंड द लिंक व्हाई वुड दिस हैव हैपेंड। दैट इट हैपेंड इज नोन, दैट इज डन, वो हमको पता है क्योंकि वो फैक्चुअल है। अब यही देखिए, कॉजैलिटी पे बहस है। अच्छा, ये कह रहे हैं द बैकवर्ड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, कि एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज नहीं था प्रॉपर। बट आई बिलीव कि मार्केट फोर्सेस फोर्स कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो खुद से ऑर्गेनाइज करना खुद को शुरू करता, मार्केट फोर्सेस में ये ताकत रहती है। लैक ऑफ रिसोर्सेज विद फार्मर्स फॉर टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, ये भी मार्केट फोर्सेस मुझे लगता है कर लेती। अनप्रिपेयर्डनेस फॉर कमर्शलाइजेशन, दिस कुड बी अ गुड रीजन, एंड देयर बाय इनएबिलिटी टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफर्ड, दिस कैन बी द रीजन। बिकॉज वन ऑफ द थिंग्स दैट इज मिस्ड इज वी थिंक दैट द वर्ल्ड इज हाईली डिटरमिंड, विच इट appears to be, but human act is highly inventive, I would say. मतलब ये नया है, ये I don't know if inventive is even a word or correct word for it, but you get the point. जो ये human का effect है ना, जो human factor होता है इस पे, on paper अगर आप खिलाएंगे तो certain teams would always lose, certain teams would always win, but then when they play on the ground, World Cup के पहले half तक ऑस्ट्रेलिया वॉज एट द बॉटम ऑफ द टेबल, यू डोंट सी दैट क्वाइट ऑफन। तो ये रियलिटी ऑफ लाइफ, द डे इट सेल्फ कैसे होगा, एंड मेनी पीपल मिस दिस पॉइंट। दे थॉट के हम इसमें हीगल थॉट के मार्च ऑफ स्प्रिट, उसमें डायलेक्टिकल मार्च ऑफ मटीरियल, स्प्रिट कार्ल मार्क्स का, दे मिस द ह्यूमन आस्पेक्ट ऑफ इट, कि इंसान खुद में कहीं पर भी कोई भी रंग ले सकता है। उसको चार्ल्स मैके जैसे कहते हैं अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिल्यूजन्स में, इंसान कुछ भी कर लेता है। दे गेट दे हैव दिस दे डेवलप फेटिशेस फॉर पर्टिकुलर थिंग, उसी के पीछे पड़ गई है पूरी कॉम। तो ह्यूमन फैक्टर, एंड इस्लामिक सोशियोलॉजी में बड़ा इम्पॉर्टेंट है, यू हैव टू लिसन टू दैट सेशन, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उसको सुने, कि आइडियोलॉजीज मैटर एज वेल। तो मार्केट फोर्सेस तो पुल करते हैं आपको टुवर्ड्स कमर्शियलाइजेशन, बट देन देयर इज समथिंग एल्स, जो आपकी खुद की आइडियोलॉजीज है। मैं शुन कर नहीं मुझे करना ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ग्रेट डिमांड फॉर लिकर एंड दिस पोक, दैट डजंट मीन ऑल ऑफ अ सडन ऑफ कश्मीर से पोक और लिकर के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। क्या वट वुड बी द रीजन? ह्यूमन इफेक्ट, ह्यूमन का फैसला कि मैं शनकार निकास कर क्या शिकार हूँ, मैं करूँगा ही नहीं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, एंड आई थिंक दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस। एब्सेंस ऑफ एनी इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, नाउ दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। एंड देन दिस कॉमर्शलाइजेशन वॉज सुपर इम्पोज फ्रॉम टॉप, बॉटम अप अप्रोच नहीं, टॉप टू बॉटम अप्रोच। एंड इसकी वजह से ये कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बड़ा आर्टिफिशियल थी, सुपरफिशियल थी, जो जेन्युइन ग्रोथ नहीं हो पाई एग्रीकल्चर के इससे। बट ऑल ऑफ दीज रीजंस काइंड ऑफ डू नॉट सेटिस्फाई मी पर्सनली। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि द ब्रिटिश पॉलिसीज डायरेक्टली वेयर रेस्पॉन्सिबल, नहीं होने ही दिया ग्रोथ, दे डिड नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ इट, दे वर फोर्स टू प्रोड्यूस थिंग्स विच दे डिड नॉट वॉन्ट टू प्रोड्यूस, एंड देन मोस्ट ऑफ द चंक ऑफ द प्रॉफिट वॉज वो मिडल मैन ने लिया, वो फिर से ज़मीन पर पहुँचा ही नहीं। सो द टैक्सेशन दैट वॉज हाई, दे कुड नॉट इन्वेस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, आई बिलीव दोज आर द रीजन्स। बट देन ओके फाइन, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर मे वट आई बिलीव और वट दिस बुक इज सेइंग, इम्पॉर्टेंट इज यू अंडरस्टैंड हाउ डू यू डिराइव ऑल ऑफ दीज थिंग्स, थिंक अबाउट थिंग्स, सोचना शुरू करें, चैन से सोना है तो जाग जाओ। ये जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था, इसके भी फिर बड़े रेमिफिकेशंस हुए।
You might only think of the positive things it would have led to, but not everything is positive. If you are doing commercialization of agriculture, what is happening? दो चीज़ें होंगी, या तो देखिए आपके पास ज़मीन है, एक कनाल है और आप इस पर टमाटर उगा रहे हैं. ऑल ऑफ अ सडन हम देख रहे हैं अनीस की फैक्ट्री से अब टमाटर के अलावा कॉटन भी आ रहा है. ठीक, सो वॉट कैन वी कंक्लूड? वी कैन कंक्लूड आइदर ऑफ द टू थिंग्स. अनीस ने एक और ज़मीन खरीदा है और जिस ज़मीन पे टमाटर उग रहा था उस ज़मीन पे अब कॉटन उग रहा है. यही दो चीज़ें हो सकती हैं. इफ इट इज दिस वन दैट जिस ज़मीन पे टमाटर उग रहा था उस पे अब कॉटन उग रहा है, देन वी कैन से टमाटर की पैदावार कौम में गिर रही है. इफ एवरी वन इज लाइक अनीस, यही हुआ. टमाटर की पैदावार दैट मीन्स फूड प्रोडक्ट्स की पैदावार कमर्शलाइजेशन की वजह से गिर गई. अब ये आपको क्या बता रहा है साइमल्टेनियसली? दैट मीन्स एग्रीकल्चरल लैंड नहीं बढ़ रहा है इन इट्स नंबर. कैश क्रॉप्स लाइक रॉ कॉटन, जूट, इंडिगो, ओपियम, ये इन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया ट्रेडिशनल क्रॉप्स को और फूड स्केयर्सिटी हुई. ये फूड स्केयर्सिटी इट लेड टू डिजास्ट्रस रिजल्ट्स. 1866 का बंगाल एंड उड़ीसा का फेमिन, इसका द एविडेंस सजेस्टस इट वॉज बिकॉज ऑफ cultivating indigo instead of rice. Then there was differentiation among farmers. एक छोटा section farmers का जिनके पास resource थे वो बड़े prosper हुए by shifting completely to commercial crops. Poor farmers, they suffered great losses. And because they were now more, they were naked in front of this market forces. Market forces are ruthless. ये immoral होते हैं, ये नहीं देखते अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, बूढ़ा जवान, ये नहीं देखते उसको मार्केट फोर्सेस. येट रीजनल स्पेशलाइजेशन ग्रो, विलेजेस अपनी आइसोलेशन खो दिए एंड दे गॉट लिंक टू वर्ल्ड मार्केट्स. फार्मर की अब चॉइस ऑफ क्रॉप्स कैसे डिटरमिन होगी? US में क्या खा रहे हैं लोग, अब ऐसे होगा. सो इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस. बट ऑन अ होल इंडियन एग्रीकल्चर इसमें भी फेल हुआ. जो अपॉर्चुनिटीज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पूरी दुनिया में लाई, हिंदुस्तान में समहाउ नहीं पॉसिबल हुआ. बाकी कंट्रीज में क्यों? वन ऑफ द फंडामेंटल reasons फॉर दैट इज बाकी कंट्रीज में वो दूसरा वाला एग्जाम्पल हुआ. वहाँ अनीस की फैक्ट्री टमाटर भी अब प्रोड्यूस कर रही है और कॉटन भी प्रोड्यूस कर रही है. तो ही हैज टू canals ऑफ लैंड, सो मोर लैंड इज बींग ब्रॉट अंडर एग्रीकल्चर, नॉट इन इंडिया. हिंदुस्तान में उसी कनाल को अब शिफ्ट कर दिया, जिस कनाल में से टमाटर आ रहे थे उसको शिफ्ट करके अब कॉटन कर दिया, बट नॉट एवरीवेयर. वहाँ उन्होंने एक और ज़मीन का टुकड़ा लिया, उस पर अब कॉटन उगा रहे. द पॉइंट हियर बीइंग द इंक्रीज इन नेट सोन एरिया. नेट सोन एरिया इज अ टेक्निकल टर्म दैट इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. नेट सोन एरिया इज इंक्रीजिंग इन अदर कंट्रीज, इन इंडिया इट्स नॉट शोइंग दैट इंक्रीज. सो दैट डिड नॉट हैपन इन इंडिया. दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस. इस सब को अगर सम अप करें, एग्रेरियन सिस्टम और पॉलिसीज जो ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट की थी, इसने एक स्टेगनेंट एग्रेरियन सोसाइटी को प्रोड्यूस किया, बड़े बुरे हालात. इनडेटेड पेजेंट्री कर्जे में डूबी हुई, लैंडलेस लेबरिंग क्लास जो ऐश कर रहा है और वहाँ बैठ रहा है मुजरा देखने के लिए. दे डेथ्स बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन, फेमिन्स, एपिडेमिक्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग. एंड दिस इज़ बिकॉज द ब्रिटिशर्स की फाइनल कोर पॉलिसी फिलॉसफी क्या थी कि हमें हमारे पैसे से मतलब है, वी हैव टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज वी कैन. वो गन्ने से जब जूस निकालते हैं ना, फिर उसको फोल्ड करते हैं, फिर से उसमें से पास करते, फिर फोल्ड करते, जितना जूस निकल सकता है इतना जूस निकलता है कि वो जो बाकी फिर बचता है ना, इट कैन बी यूज एज ए फ्यूल, कि उसमें इतना सिर्फ वो कार्बन बचता है फिर उसमें. That's what it did. And then this led to distressed sale of land to pay land revenues. They were ruthless, the Britishers, with Indians. Now compare that to other indigenous rulers in India. Ke. वो क्या करते? वो देख लेते थे कि अरे भाई कहत साली है, बारिश नहीं हुई है, they cannot produce food. तो वो क्या करते थे? वो लगान माफ कर देते. ये क्या करते थे? ये करते थे अगर मैच नहीं जीते तो 3 गुना लगान देना पड़ेगा. तो यहाँ पे बड़ा कोई भुवन तो था नहीं जो मैच जिताता. तो बड़े बुरे हाल थे यहाँ पे. प्रोफेसर इरफान हबीब इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं, कहते हैं द लैंड रेवेन्यू अंडर द प्रीसीडिंग इंडियन रेजिम्स वाज फिक्स्ड एज ए शेयर ऑफ क्रॉप. जितनी क्रॉप उगी उसमें से इतना दो. यहाँ पे क्या है?
यहाँ पे क्या है, यहाँ लैंड पे फिक्सेशन है, चाहे फिर उस पर कुछ उगे ना उगे उससे मुझे नहीं लेना देना। आप देखिए कितना चेंज कर रहा है। अच्छा टैक्सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, यू नो ओनली ऑफ टैक्सेशन ऑन वैल्यू, समटाइम्स इट इज ऑन द क्वांटिटी एज वेल। जैसे सिगरेट के मामले में हिंदुस्तान में टैक्सेशन डिपेंड्स अपॉन हाउ बिग द सिगरेट इज, नॉट हाउ मच इट्स कॉस्ट इज, and that's why cigarette companies are reluctant to increase the size of the cigarette, they want to keep it less and less cigarette ke size, isliye aap dekh rahe honge jo length mein choti cigarettes hoti hai wo cost mein bahut zyada niche aa jati hai, it's not necessarily directly proportional to quality of cigarette, wo jitni bahut choti cigarette hoti hai bahut zyada kam kimat ho jata hai, aur iske bhi bade effects hai, phir sales kiske push hote hain, zyada kya bikta hai, to खैर दैट्स अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट। अब ये पॉलिसी कहाँ से डिक्टेट होगी, अब ये यहाँ पे टैक्सेशन पॉलिसीज गवर्न्ड बाय एथिकल कंसिडरेशंस एज वेल, दैट ओके फाइन वी वांट सिगरेट इंडस्ट्री टू एग्जिस्ट बिकॉज बहुत सारे लोगों का प्रोफेशन है, बहुत सारा ये वो रीजंस, और साइमल्टेनियसली इट गिव्स अस रेवेन्यू एज वेल, एंड देन पीपल आर फ्री टू बी रॉन्ग एज वेल, कि तुमको करना है सिगरेट तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुजर है, हम कह रहे हैं तुमसे, उस पर एडवर्टीजमेंट भी लगाते हैं एवरीथिंग, बट यू आर फ्री टू डू दैट रॉन्ग। एंड हाउ डू वी डिस्करेज पीपल कि वो कम सिगरेट पिए, वन ऑफ द वे इज टैक्सेशन, टैक्सेशन ऑन इट्स लेंथ, लेंथ ऑफ द सिगरेट इटसेल्फ, सो यू आर फोर्स्ड टू परचेज छोटा सिगरेट, दैट काइंड ऑफ पुशेस अप सेल्स ऑफ द छोटा सिगरेट अप, एंड बात वहीं पहुँच जाती है, बट दैट्स द टैक्स वाला एस्पेक्ट ऑफ द सेम मॉरल प्रिंसिपल। अब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोफेसर हबीब स्टेटमेंट, क्या कह रहे हैं कि लैंड रेवेन्यू इससे पहले किस पे अप्लाई होता था, क्रॉप पे, लेकिन एंड दैट वुड मीन इस साल आपकी सिर्फ 5 ही केजी होगी, ठीक है उसमें से 20 ये आधा किलो मुझे दे दो, 200 ग्राम मुझे दे दो, ठीक ये था। अब क्या है, अब लैंड पे है, चाहे फिर 100 केजी हो गए या 2 केजी हो गए, इतना तो देना है। तो लैंड रेवेन्यू अंडर ब्रिटिश इट वाज इम्पोज्ड ऑन द रायट्स एंड असेस्ड बाय जमींदार्स, दिस वाज ट्रू टैक्स ऑन लैंड। तो रेवेन्यू कलेक्शंस वेंट अप, प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्लाइंड, रूरल इंडेटनेस इंक्रीज्ड, रूरल इकोनॉमी डिप्रेस्ड। तो ये जो और जो ये अप्रोप्रिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल सरप्लस था, वन दैट इट वॉज द सोल गोल ऑफ द ब्रिटिश रूल, एंड सेकेंड इट्स डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज वायर कि हिंदुस्तान की पेजेंट्री की खस्ता हालत, हिंदुस्तान की रूरल इकोनॉमी की कंप्लीट स्टेग्नेशन, और वी कैन से इन अ वे मौत। वट हैपन्ड आफ्टर दैट एंड वट आर द अदर एसोसिएटेड थिंग्स, उसको इंशाल्लाह अगले सेशन में देखेंगे।